नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। पुलिस अधीक्षक कटनी श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशन में कुठला पुलिस द्वारा कटनी शहर में निर्माणाधीन नए मकान में लगे नए नल और बिजली फिटिंग तार को चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। निरंजन प्यासी पिता स्वर्गीय छोटे लाल प्यासी उम्र करीब 85 वर्ष निवासी पन्ना मोड़ कटनी के द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके द्वारा साई कॉलोनी में नया मकान बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन मकान का कार्य पूर्ण होने वाला है। दिनांक 25 फरवरी 2023 की रात्रि में निर्माणाधीन नए मकान में लगे हुए 14 नलों एवं बिजली फिटिंग के तार को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इसके साथ साथ साई कॉलोनी में इनके पड़ोस में रामशंकर दुबे जी के बन रहे निर्माणाधीन नए मकान में घर पर लगे नए नलों और बिजली फिटिंग तार की चोरी कर ली गई है। TI कोटला अरविंद जैन द्वारा उक्त रिपोर्ट पर तत्काल संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की एवं प्रधान आरक्षक रामेश्वर सिंह और प्रधान आरक्षक अजय सिंह यादव के साथ मिलकर अज्ञात चोरों की पतासाजी की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास के करीब एक दर्जन CCTV दोनों का अवलोकन किया और एवं चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी रोहित ठाकुर पिता हरि सिंह ठाकुर उम्र करीब 21 साल निवासी कुठला बस्ती एवं आनंद बर्मन उर्फ मंगल बर्मन पिता राम स्वरूप बर्मन उम्र 25 साल निवासी गैसाबाद जिला दमोह वर्तमान निवासी कुठला बस्ती कटनी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि वो दिन में कॉलोनी में घूमकर ऐसे मकान का सर्वे किया करते थे जो निर्माणाधीन हो और लगभग निर्माण कार्य पूर्ण होने को हो। ऐसे मकानों में रात्रि में घुसकर पेचकस और पाना की मदद से नवनिर्मित मकान में लगे हुए कीमती नलों को और बिजली फिटिंग के तारों को चोरी कर लिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों से अब तक 24 नग महंगे नल, बिजली फिटिंग का तार कुल कीमत 25,000 का जब्त किया जा चुका है एवं शहर में ऐसे अन्य मकानों में हुई चोरी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी चोरी एवं नकाबजनी के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक कटनी श्री सुनील कुमार जैन ने चोर गिरोह के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। कटनी कोटला थाने के अंतर्गत यहां मुजरिमों को पकड़ा गया।